बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आशा करते सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ देसी चिकन मसाला। तो फ्रेंड्स, देसी चिकन मसाला बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत इजी रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ले लिया है फ्राई पैन, उसमें डाल दिया ऑयल, उसमें डाल दिया मैंने चिकन। चिकन मैंने 20 मिनट पहले मैरिनेट करके रखा था, उसमें मैंने डाल दिया था 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा चिकन डाल दिया मैंने फ्राई पैन पे। धीरे धीरे चिकन जो है उसका पानी निकलेगा, फिर वो डीप फ्राई हो जाएगा। तो जब तक हमारा चिकन फ्राई हो जाए तब तक मैं मसाला रेडी कर देती हूँ और चिकन को मैं दूसरे साइड में ले लेती हूँ, दूसरे चूल्हे में ले लेती हूँ। फ्रेंड्स, इसको मैंने ढक्कन लगा के रख दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले लिया, उसमें डाल दिया मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें जो फ्लेवर है वो कभी अच्छा लगता है और कभी थोड़ा फ्लेवर, मतलब फ्लेवर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो इसीलिए मैं इसको गर्म होने के लिए रख दिया। तो यहाँ हमारा ऑयल रेडी हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून। ये देसी चिकन बुना है तो इसीलिए मैं यहाँ ज़्यादा मसाला डाल रही हूँ, और मसाला में मैंने ज़्यादा लिया है ओनियन, अदरक और लहसुन। लहसुन का पेस्ट मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया। अब मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। जब तक हमारा, यहाँ मैंने डाल दिया अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। जब तक हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तब तक मैं चिकन को देख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा चिकन, चिकन का जो पानी है वो निकल गया है। अब चिकन फ्राई भी हो रहा है, थोड़ी देर बाद मैं इसे पलट दूँगी। वन साइड हमारा चिकन का हो गया है, अब मैं दूसरा साइड करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यह हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। तो यहाँ मैं डालने वाली हूँ ऑनियन पेस्ट। ऑनियन डालने के लिए मैंने यहाँ बड़े बड़े 3 ऑनियन लिया है, क्योंकि मैं बना रही हूँ देसी चिकन मसाला और उसमें ज़्यादा मसाला होना चाहिए फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैंने बड़े बड़े 3 ऑनियन ले लिया है और उसे उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। और पेस्ट मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि ज़्यादा पेस्ट बनाने से, ज़्यादा बारीक करने से पेस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, उसमें पानी ज़्यादा निकलता है, तो इसीलिए मैंने कम ग्राइंड किया है, हाफ़ ग्राइंड किया है ओनियन को। तो देखिए फ्रेंड्स, चिकन का कलर भी अच्छा खासा आ गया है, गोल्डन कलर हो गया। देसी चिकन का मज़ा कुछ अलग ही होता है और बनाने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है फ्रेंड्स। देसी आप जो भी बनाएं देसी तरीके से, उसको आप फ्राई करना पड़ता है आपको, फ्राई करने से उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने डाल दिया ऑनियन पेस्ट। ढेर सारा मसाला मैंने डाल दिया। इतनी बड़े बने बड़े बड़े ऑनियन को अगर आप पेस्ट बनाए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और होना भी चाहिए फ्रेंड्स, मसाला ज़्यादा होने से भी टेस्ट अच्छा आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह हमारा ऑनियन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, और यहाँ मैंने डाल दिया यह चिकन। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा कलर आया है, और यहाँ मैंने डाल दिया 2 तेज़पत्ता। खड़ा मसाला मैंने नहीं डाला, क्योंकि खड़ा मसाला मैंने अलग से रोस्ट करके रख दिया था, पहले वीडियो भी मैंने बनाया था और आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने डाल दिया लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1.5 टेबल स्पून, जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, और गरम मसाला के पाउडर
हाफ टेबल स्पून, क्योंकि यहाँ मैंने खड़ा मसाला लिया है। खड़ा मसाला में मैंने लिया है दाल, इलायची, लौंग, ब्लैक पेपर। यहाँ मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून नमक, और इन सबको मैंने रोस्ट करके पाउडर बना लिया है, क्योंकि हमें यह मसाला चाहिए होता है और हर दिन बनाना आसान भी नहीं होता, तो इसीलिए मैंने एक साथ ज़्यादा बना कर रख दिया था, जिसमें जो जितना चाहिए उस हिसाब से मैं डालती हूँ फ्रेंड्स। तो इसमें फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग आता है, स्पाइसी मसाला है ये, तो इसीलिए मैंने 1/2 टेबल स्पून डाल दिया। अब सारे मसाला को मैंने एक साथ मिला लिया। देखिए फ्रेंड्स कैसे कलर आ गया है, खुशबू भी बहुत अच्छा निकल रहा है। और दूसरी तरफ मेरा 1/2 केजी चिकन फ्राई हो चुका है, और मैंने 1/2 केजी चिकन फ्राई पैन पे रख दिया, वो भी फ्राई हो रहा है। तो यहाँ मैंने डाल दिया 1 कप पानी। ये जो मैंने फ्राई किया है फ्रेंड्स, ये है चिकन का जो गुड और जो स्किन होता है, फैट्स होता है, वो है, वो मैंने डाल दिया। थोड़ा फ्राई करके मैंने पहले मसाला में डाल दिया, क्योंकि उसमें से ऑयल भी निकलता है, फैट्स है, तो इसीलिए थोड़ा ऑयल भी निकलेगा और टेस्ट भी आएगा, तो इसीलिए मैंने पहले इसे डाल दिया। तो फ्रेंड्स देखिए, डालने से ही कलर बदल गया है। अगर आप देसी चिकन बना रहे हो तो फ्रेंड्स आप एक बार स्किन के साथ बना के देखिएगा, उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा और दिखने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स अब मैं इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर में तीखा कम होता है और कलर बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कलर भी बहुत बढ़िया आ गया है। अब मैं इसे चिकन के साथ अच्छी तरह से मिलाऊंगी। हमारा मसाला अच्छी तरह से पहले भी भुन गया था, फिर मैंने उसमें पानी डाल दिया और भी अच्छी तरीके से भुन गया है। और अब मैंने चिकन का जो स्किन है, गुड है, वो सब डाल दिया, तो और भी बढ़िया हो गया है। कलेजा भी डाल दिया है मैंने। थोड़ी देर में इसे ऐसे मिलाते रहूँगी और कम आँच में रख दूँगी, फिर मैं उसमें डाल दूँगी फ्राई किया हुआ चिकन। तो चिकन हमारा लगभग पक चुका है, आधा बन चुका है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट में हमारा चिकन रेडी हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने चिकन को फ्राई करके रखा है और मसाला भी हमारा भुन चुका है, तो इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स अब मैं जो फ्राई करके रखा था चिकन वो डाल दिया। तो चिकन हमारा डालना हो गया है। पहले मैंने फैट्स के साथ जो डाला है चिकन, वो हमारा अच्छी तरह से पक गया है, क्योंकि वो मैंने पहले ज़्यादा फ्राई नहीं किया, क्योंकि फैट्स जो है और चिकन का स्किन जो है वो फ्राई करने से उसका फैट निकल जाता है, तो इसीलिए मैंने सीधे मसाला में डाल दिया था थोड़ा फ्राई करके। अब मैंने डाल दिया चिकन को, और चिकन के साथ मैंने अच्छी तरह से मसाला और चिकन को अच्छी तरह से मैंने मिला लिया है। थोड़ी देर में इसे मिलाऊंगी और फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसे ढक के रख दूंगी फ्रेंड्स। जितना भी जो भी खाए फ्रेंड्स, लेकिन देसी का जो टेस्ट है वो बहुत अलग होता है और बहुत अच्छा भी होता है। और फ्रेंड्स अब तो विंटर का सीज़न आ रहा है, तो ऐसे भुना हुआ चिकन, भुना हुआ मटन, ये सब तो याद आएगा, और ये सब खाने से बहुत अच्छा भी लगता है ठंडे ठंडे के सीज़न में, विंटर के सीज़न में। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैंने फिर से 1 कप पानी डाल दिया और चिकन को अच्छी तरह से मिला के डुबो के रख दिया पानी में, ताकि चिकन, पानी और मसाला एक साथ मिल जाए। ज़्यादा भी नहीं डालना पानी फ्रेंड्स, और कम भी नहीं डालना। ज़्यादा पानी डालने से ग्रेवी जो है वो पतला हो जाएगा, और कम डालने से चिकन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं होगा, तो इसीलिए। तो यहाँ मैंने ढक के रख दिया, फुल फ्लेम में मैंने इसे रख दिया 5 मिनट।
5 मिनट हो गया है। देखिए फ्रेंड्स कैसे बढ़िया कलर आया है और हमारा चिकन अच्छी तरह से रेडी भी हो गया है। अब मैं थोड़ी देर इसे कम आँच में रखूँगी। ऑयल भी सेपरेट हो गया है, इसका मतलब हमारा चिकन अच्छी तरह से बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब चिकन बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। इसे आप पुलाव के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं या स्टिकी राइस के साथ खाएं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और हमारा चिकन का कलर देखिए और ग्रेवी देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हो गया है। और आज हम इसे खाने वाले हैं स्टिकी राइस के साथ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे नए नए वीडियो के साथ, नए नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।